वाराणसी की जिला अदालत के आदेश के बाद ज्ञानवापी परिसर में मौजूद व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ शुरू कर दी गई है। आधी रात को जिला प्रशासन ने भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पूजा पाठ को शुरू कराया। 3 दशकों बाद तहखाने में शुरू हुई पूजा का वीडियो और तस्वीरें भी सामने आई, लेकिन आपके दिमाग में ज्ञानवापी परिसर में शुरू हुई पूजा से जुड़े कई सवाल होंगे, जैसे आधी रात को कैसे शुरू करवाई गई पूजा, कौन कौन लोग पूजा करने के लिए पहुंचे, तहखाने के अंदर किस भगवान की पूजा की जा रही है और किस पूजा पद्धति का पालन किया जा रहा है। इन सभी सवालों का जवाब देने वाली हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। माननीय न्यायालय का जो ऑर्डर है उसकी कंप्लेंट्स किया गया, कोर्ट ने जो बोला है उसकी कंप्लेंट्स किया गया। पूजा चल रही है, पूजा चलती रहेगी, पूजा चलनी भी चाहिए। यह न्यू का पत्थर है, मिल का पत्थर है, आज जो है खासतौर से शिलान्यास एक तरह से हुआ। ज्ञानवापी परिसर में मौजूद नंदी जी की आंखों के सामने रहने वाले व्यास जी के तहखाने में बीती रात अदालत के आदेश के बाद पूजा शुरू हो गई। तहखाने में मौजूद मूर्तियों की पूजा शुरू होने की इन तस्वीरों को देखने का इंतजार 3 दशकों से हो रहा था। पूजा शुरू होने के बाद काशी विश्वनाथ का दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं की खुशी 4 गुनी हो गई। कोई भोलेनाथ की जय जयकार कर रहा है, कोई मिठाई बांट रहा है, किसी को लग रहा है ज्ञानवापी में भव्य मंदिर निर्माण की तरफ ये पहला कदम है। लेकिन अदालत के आदेश के बाद व्यास जी के तहखाने में जो पूजा शुरू हुई उसका पूरा विधि विधान क्या है, पूजा कैसे हुई, किसने की, किन देवताओं की पूजा की जा रही है, हम आपको एक एक जानकारी देंगे। व्यास जी के तहखाने में पूजा शुरू करवाने के अदालती आदेश के बाद प्रशासन फौरन हरकत में आया और आधी रात को बैरिकेडिंग से रास्ता बनाते हुए व्यास जी का तहखाना खोल दिया। व्यास जी के तहखाने में पूजन शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि जिला अदालत के आदेश के बाद ये पूजन बीती रात को शुरू कराया गया। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देखिए, ये वो परिसर है जिसके दक्षिणी छोर पर व्यास जी का तहखाना मौजूद है और लगभग 11 बजे की रात को यहाँ पर प्रशासनिक अमला पहुँचता है। यहाँ पर मजदूर भी पहुँचते हैं और मजदूरों के पहुँचने के साथ ठीक 12 बजे बैरिकेटिंग को हटाया जाता है। बैरिकेटिंग हटाने के बाद प्रशासनिक अमला, इसके साथ ही जो पुरोहित है पूजा करने वाले, वो सभी अंदर दाखिल होते हैं और 12:30 के बाद पूजन कार्य शुरू हो जाता है। 12:50 पर जो मुख्य पूजन है वो होता है, 10 मिनट का जो पूजन होता है उसको यहाँ पर संपन्न किया जाता है। अदालत के आदेश की तामील करवाने के दौरान प्रशासन कितना सतर्क था, इसे ऐसे समझ सकते हैं कि वाराणसी के डीएम और कमिश्नर खुद आधी रात को ज्ञानवापी परिसर में मौजूद थे। सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त थी और रात को 10-11 बजे के करीब व्यास परिवार को बताया गया कि पूजा होनी है। ये तो हमको समझ लीजिए कि 10-11 बजे करीब हम लोगों को बताया गया, सूचित किया गया है। फिर मूर्तियों का पूजन शुरू हुआ होता है जो है, और माला फूल धूप गंध से पूजन शुरू होता है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में मौजूद नंदी जी के सामने 3x6 फुट का दरवाजा खुला है और गेट के पास सुरक्षा बल मौजूद है और यहीं से होकर जाता है व्यास जी के तहखाने का रास्ता, जिसके अंदर जाकर पूजा को संपन्न करवाया गया। दरवाजा खुलवाने और तहखाने में प्रवेश के बाद सबसे पहले शुद्धिकरण का काम किया गया। वहाँ हम लोग जो प्रवेश किए अंदर जो है, तो वहाँ गंगा जल से शुद्धिकरण किया गया है और अंदर जाकर के जो आकृतियां बनी हुई हैं उन लोगों का शुद्धिकरण हुआ खंभे में और पूजन वहां से शुरू हुआ और जो वहां मूर्तियां थी उन लोगों का भी पूजन उजन शुरू हुआ। पवित्र किया जाता है मंत्रों द्वारा शुद्धिकरण के लिए, फिर उसके बाद जो है अंदर जाकर के स्वास्थ्य वचन होता है, पूजन होता है, अच्छा छिड़का जाता है शुद्धिकरण के लिए। अब आप जानिए कि तहखाने में किन मूर्तियों की पूजा हो रही है। ज्ञानवापी परिसर में ASI सर्वे के बाद मिली मूर्तियां जिला प्रशासन को सौंप दी गई थीं। उनमें से कुछ तहखाने में हो रही पूजा के वीडियो में भी नजर आ रही हैं। पूजा में दिखाई दे रही हनुमान जी की मूर्ति का ASI सर्वे में भी जिक्र था। इस मूर्ति की ऊंचाई 36 सेंटीमीटर, चौड़ाई 23 सेंटीमीटर और मोटाई 2 सेंटीमीटर बताई गई थी।
ये मूर्ति भी तहखाने की वीडियो में नजर आ रही है। इसके अलावा भगवान शिव और विष्णु की पूजा भी तहखाने में की जा रही है। काशी विश्वनाथ के मुख्य अर्चक श्रीकांत मिश्र ने बताया, ये पूजा काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों और पुजारियों के दिशा निर्देश में करवाई जा रही है। और उन्हीं की जुबानी आप सुनिए क्या रहा पूजा का विधि विधान। पूजन बहुत ही अच्छे ढंग से, जैसे बाबा की भोग आरती होती है वैसे ही आरती भोग आरती भगवान को भोग लगा करके और षोडशोपचार पूजन पूर्वक आरती संपन्न। पूजा के दौरान तहखाने में काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के 5 पुजारी आचार्य गणेश्वर शास्त्री द्रविड़, व्यास परिवार के सदस्य, पुलिस कमिश्नर अशोक मुथा जैन, डीएम एस राजलिंगम और कमिश्नर कौशल राज शर्मा मौजूद थे। व्यास जी के तहखाने में पूजन से हिंदू समुदाय उत्साहित है। आपको बता दें कि जहां पर पूजन हो रहा है वहां भगवान शिव का पूजन किया गया है। अगर प्रथम पूजन की बात करें तो जब हिंदू समुदाय अंदर पूजन करने के लिए दाखिल हुआ तो उस दौरान पहले गंगा जल से पवित्र किया गया परिसर, उसके बाद स्वास्तिक वाचन हुआ और उसके बाद भगवान शिव का पूजन किया गया। रात की पूजा के बाद आगे क्या होगा, किस तरह और कब कब तहखाने में पूजा की जाएगी, इसकी जानकारी भी जी न्यूज के पास मौजूद है, क्योंकि अदालत ने पूजन की जिम्मेदारी काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को दी है। इसलिए जिस तरह काशी विश्वनाथ में पूजा की जाती है उन्हीं नियमों का पालन तहखाने में पूजा के दौरान भी किया जाएगा। व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ के दौरान 5 आरतियां की जाएंगी। मंगल आरती सुबह 3:30 बजे, भोग आरती दोपहर 12 बजे, अपराह्न आरती शाम 4 बजे, सायंकाल आरती शाम 7 बजे और शयन आरती रात 10:30 बजे की जाएगी। हमारे यहाँ काशी विश्वनाथ की जो परंपरा है वो 5 प्रहर की पूजा, 5 बार की आरती, ये सब विधान है और जो भगवान विश्वनाथ का विधान है वही विधान हर जगह होता है। फिलहाल व्यास जी का तहखाना खुल चुका है और अब हिंदू पक्ष श्रृंगार गौरी के साथ ज्ञानवापी परिसर में पूजा पाठ के अधिकार की कानूनी लड़ाई को तेज करने की तैयारी कर रहा है। नीतीश पांडे, जी मीडिया, वाराणसी। ज्ञानवापी मस्जिद में बने व्यास जी के तहखाने पर फैसला तो 31 जनवरी को आया, लेकिन वहां पूजा की शुरुआत 1 फरवरी को हुई। इस 1 फरवरी का बहुत ही अद्भुत संयोग है। 1 फरवरी की तारीख अयोध्या के लिए बेहद अहम है। आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि अयोध्या और काशी का 1 फरवरी का संयोग कैसा है। 1 फरवरी 1986 को अयोध्या की जिला अदालत ने विवादित ढांचे का ताला खुलवाया था, जिसके बाद रामलला की पूजा की शुरुआत हुई थी। अदालत के आदेश से पहले 37 साल तक वहां ताला बंद था। इसी तरह काशी में कोर्ट का फैसला आने के बाद 1 फरवरी 2024 की आधी रात वहां भी पूजा पाठ हुई। ज्ञानवापी में व्यास जी का तहखाना 31 साल से बंद था, अब वहां की पूजा की शुरुआत हो गई है। अयोध्या में जिस तरह 1 फरवरी 1986 की तारीख बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हुई थी, उसी तरह 38 साल बाद 1 फरवरी 2024 ज्ञानवापी के लिए अहम साबित होने जा रही है। Zee News.